हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिनको बोला जाता है कि जिन्होंने इस धरती पे जो है अपनी ज़िंदगी का कुछ साल जो है नर्क में बिताए। मैं बात कर रहा हूँ विक्टर फ्रैंकल की। विक्टर फ्रैंकल की ज़िंदगी में एक ऐसा दौर था जब वो हिटलर की नाजी का जो है डेथ कैंप्स में जो है बंद थे, और ना ही सिर्फ उन्होंने उन कैंप्स में से अपनी ज़िंदगी को बचाया, सरवाइव किया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपने स्पीचेस के थ्रू और अपने बुक के थ्रू हज़ारों लोगों को जो है मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक्स में आती है। हिटलर के नाजी डेथ कैंप्स को दुनिया का सबसे हेल जगह बोला जाता है, और बोला जाता है कि अगर दुनिया में सबसे कोई क्रूर जगह है, कोई प्रिजन थी, वो हिटलर की नाजी डेथ कैंप्स थे। विक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, चीज़ें और भी बदतर हुई उनके साथ। उन्हीं डेथ कैंप्स में से विक्टर फ्रैंकल ने अपने फादर और मदर को खो दिया। उन्हीं डेथ कैंप्स में विक्टर फ्रैंकल ने अपने सिस्टर और ब्रदर्स को भी खोया, और उन्हीं डेथ कैंप्स में अपनी वाइफ को भी खो दिया। इतना कुछ होने के बाद भी विक्टर फ्रैंकल ने अपने अंदर के पॉजिटिव एटीट्यूड को मरने नहीं दिया। कभी कभी विक्टर फ्रैंकल को सर्दी में भूखे पेट रहना पड़ता था। इवन यहाँ तक कि विक्टर फ्रैंकल के फ्रेंड्स की भी डेथ उन्हीं नाजी कैंप्स में हो गई, जिन्होंने जो है अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखा, अपने आप को जो है एक्सेप्ट कर लिया एज ए प्रिजनर। लेकिन विक्टर फ्रैंकल वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना ही सरवाइव किए, बल्कि वहाँ से जो है सरवाइव करने के बाद हज़ारों लोगों को अपनी बुक के थ्रू और अपनी स्पीचेस के थ्रू मोटिवेट भी किया। विक्टर फ्रैंकल से जब बाद में पूछा जाता है कि आपके साथ इतना बुरा उस जो है जेल में हुआ, उस डेथ कैंप्स में से आपके साथ इतना बुरा हुआ, आपके पेरेंट्स की डेथ हुई, आपकी वाइफ की डेथ हुई, आपके फ्रेंड्स जो है वो सब वहाँ पे डेथ कर गई, आप कैसे सरवाइव कर पाए वहाँ पे? तो विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि मैंने कभी भी उस प्रिजन में अपने आप को एज ए प्रिजनर एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा मैंने अपने आप को एक फाइटर जो है माना, और मैंने यही सोचा कि मुझे इस लड़ाई से निकलना है, मुझे इस प्रिजन से जो है एक दिन जो है बाहर निकल के दिखाना है, मैं आज़ाद होकर दिखाऊँगा। विक्टर फ्रैंकल ने यहाँ तक कि बोला कि अगर मुझे वहाँ पे पूरी लाइफ मुझे सरवाइव करना पड़ता तो मैं पूरी लाइफ अपना जो है वहाँ पे एज ए फाइटर जो है उसको फेस करता, कभी भी मैं अपने आप को एज ए प्रिजनर एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल के अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही विक्टर फ्रैंकल उस जो है जेल में, उस प्रिजन में, डेथ कैंप्स में सरवाइव कर पाए। दोस्तों, जो हमारा एटीट्यूड होता है, अगर हम कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाएं और अगर हम अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी मुसीबतों को हमारे सामने झुकना ही पड़ता है, उन्हें हार मानना ही पड़ता है। यही किस्सा जो है विक्टर फ्रैंकल के साथ भी हुआ, उनके सामने भी उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी मुसीबतों को हारना पड़ा।